पहलेरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी री जयंती रे मौके दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक देश ने करयो गयो समर्पित। राजनीतिक जगत री हस्तिया दी ने श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में भाजपा मनारी है सुशासन दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में ब्रह्मपुत्र नदी माथे बनया देश रा सबसे लंबा रेल सड़क पुल रोकी नो उद्घाटन। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुल बनावारा काम ने दी नहीं मंजूरी। आखा प्रदेश में हरक नवलासरे साथे मनाया जा रो है क्रिसमस रो पर्व। गिरजाघरा ने सजायो गयो रंग बिरंगी रोशनी सू। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दी नहीं प्रदेशवासियों ने बधाई। क्रिसमस और नुआ बरस रा स्वागत खातर प्रदेश में उमड़िया सैलानी। पर्यटन स्थला माथे बड़ी सैलानिया री भीड़। और राज्य में शीतलहर रो दौर जारी। चूरू में दर्ज करयो गयो सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान। नमस्कार, राजधानी समाचार में आप स्वागत और अब समाचार विगतवार। पहलेरा प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी री आज जयंती मनाई जा रही है। इन मौके दिल्ली स्थित अटल जीरा समाधि स्थल माथे सदैव अटल माथे देश ने समर्पित करयो गयो। सदैव अटल स्मारक माथे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलेरा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित कई गणमान्य लोग अटल जी ने श्रद्धांजलि दीनी। पहलेरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी री जयंती ने भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस रा रूप में मना रही है। जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय माथे आज पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो, जिन में भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल, भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, जयपुर सांसद रामचरण बोरा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हुआ। इन मौके कैलाश मेघवाल कहो कि वाजपेयी जी एक सामान्य कार्यकर्ता रा भांत काम की ना वठे। चंद्रशेखर कहो के अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर राजनेता और मुखर वक्ता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में डिब्रूगढ़ रे कन्ने ब्रह्मपुत्र नदी माथे बनया देश रा सबसे लंबा रेल सड़क पुल रो उद्घाटन कीनो। इन मौके प्रधानमंत्री कहो के इन पुल रे जरिए असम और अरुणाचल प्रदेश रा लाखों लोगों ने फायदो मिलेला। इन पुल रे जरिए दोनों राज्य री बीच री दूरी 700 किलोमीटर से घटर 200 किलोमीटर रह जावेला। गौरतलब है कि 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इन पुलिया ने बनाबर ही मंजूरी दी नहीं। ये दोहरी बधाई का दिन है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा रोड ब्रिज और रेल रोड ब्रिज दोनों असम की धरती पर है। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार का सौभाग्य है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के इन दोनों महत्वपूर्ण प्रदेश को पूरा करने का अवसर हमें ही मिला। पिछले वर्ष मई में सदिया में भूपेन हजारिका ब्रिज का लोकार्पण करने आया था, तो आज बोगीबिल में आप सभी के बीच हूं।
भाइयों और बहनों, बीते 4.5 वर्षों में ब्रह्मपुत्र पर बनाए ये तीसरा ब्रिज है। आजादी के 60-70 वर्षों में ब्रह्मपुत्र पर तीन ब्रिज बने, 60-70 साल में तीन ब्रिज, और बीते 4.5 वर्ष में भी हमने तीन ब्रिज और बनाए हैं। 5 नए पुलों के निर्माण की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। जब ये सारे पुल तैयार हो जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र के उत्तर और दक्षिण के किनारों के बीच कनेक्टिविटी तो सुदृढ़ होगी ही, यहां उद्योग और कारोबार का भी नया अध्याय लिखा जाएगा। साथियों, यही तो सुशासन है, यही तो सुराज की तरफ बढ़ते हमारे कदम है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विकास की यही गति असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने वाली है। भाइयों और बहनों, संभवतः आज यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तब भी यहां आए होंगे जब 16 वर्ष पहले अटल जी यहां पहुंचे थे। तब से आज तक एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है। आपने सच में बहुत लंबा इंतजार किया, सब्र किया है। साथियों, आपकी बरसों की मांग के बाद इस पुल से जुड़ी प्रक्रियाएं 2 दशक पहले शुरू हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि इसका निर्माण अटल जी के अथक प्रयासों से ही शुरू हो पाया। क्रिसमस रे मौके आखा प्रदेश रा गिरजाघर में विशेष प्रार्थना सभा रखी गई। इन कड़ी में जयपुर रा ऑल सेंट गिरजाघर और चांदपोल स्थित सेंट एंड्रयूज गिरजाघर में खास प्रार्थना सभा रखी गई। लोग मोमबत्तियां जला प्रभु यीशु ने याद कीना और कैरोल गाया गया। इन मौके यीशु रा जन्म आधारित झांकी सबरा आकर्षण रो केंद्र बनी रही। मिडनाइट सर्विस पे आए थे एंड वर्शिपिंग इन चर्च एंड देन आफ्टर दैट सब फैमिली वगैरह इकट्ठा होता है एंड फिर सुबह भी चर्च आते हैं, सिंग कैरल्स एंड देन वी हैव जनरली चैरिटी में भी देते हैं। एंड आज के दिन थोड़े अपने अंडर प्रिविलेज लोगों को खास याद रखते हैं बिकॉज जो ब्लेसिंग्स हमें क्राइस्ट से मिली है। एंड देन उसके बाद फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, लंचेस एंड डिनर्स, एंड केक इज अ स्पेशल थिंग। आखा प्रदेश में आज क्रिसमस रो पर्व हरख ने उल्लास रे साथे मनायो जा रियो है। इन मौके जयपुर रा सगला गिरजाघर ने रंग बिरंगी रोशनी सु सजायो गयो है और प्रभु यीशु रा जन्म सु जुड़ी झांकियां दर्शाई गई है। इनसे पहले काल आधी रात जयपुर रा सेंट जेवियर्स गिरजाघर में खास प्रार्थना सभा रखी गई, जिनमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत कीनी और कैरल्स गाया और एक दूजा ने क्रिसमस री बधाई दीनी। इन मौके सेंट जेवियर्स चर्च रा फादर वर्की पेरेकर और फादर सोबिन इन दिन रा महत्व बाबत जानकारी दीनी। टाइम है जो जहाँ पे शांति, अमन और भाईचारा का जो संदेश, जो ईश्वर के जो पुत्र हमारे बीच में आ गया, ईश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि हम सारे मानव जाति की जो मुक्ति हो जाएगी, जो तो आज के इस माहौल में हमें तो खास करके इस अमन और भाईचारा और शांति की जो संदेश हैं वो हमारे ज़िंदगी में हमें लागू करना चाहिए। यही तो आजकल तो क्रिसमस का संदेश है कि जो क्रिसमस रे पहली रे सिंजा माथे राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा लोगा ने क्रिसमस री बधाई और शुभकामनावां दीनी है। इन मौके राज्यपाल कहो कि क्रिसमस सद्भाव और विश्वास ने साझा करवारो उत्सव है। बठाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि प्रभु यीशु रा संदेश आज भी प्रासंगिक है। जयपुर रा बस्सी माए आज किसान संघ कानीसु प्रदर्शन करयो गयो। इन माए किसान नेता कर्ज माफी रा नाम माथे काश्तकारा सु धोखो करवारो आरोप लगायो। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में काश्तकार शिरकत कीनी और पूरो कर्ज माफ करबारी सरकार सु मांग कीनी। सरकार से छलावा कर रही है काश्तकारों से, धोखाधड़ी वो ये कही थी संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, पर आज वो जो डिफॉल्टर हैं
उनका लोन माफ कर रही है सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने धोखा कर पूरा कर्जा माफ करने के लिए, ये पूरा कर्जा माफ नहीं करने जैसे धोखा करके वोट लेके ले लिया। बाकी के जो किसान ईमानदार है, जो बेचारा समय पर बैंक का कर्जा दे रहा है, उन किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रही है, इससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। गांव से संग्राम तक का आंदोलन छेड़ दिया है किसानों ने। किसान बहुत परेशान है, लाइट है जो लाइट रात को आ रही है, कम टाइम आ रही है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज पीसीसी मुख्यालय में तृतीय श्रेणी रीट परीक्षा में कथित विसंगतियां ने दूर करबारी मांग ने ले अभ्यर्थियों से मुलाकात की नी। इन मौके घनी तादाद में रीट रा अभ्यर्थी मौजूद हा। जयपुर री संस्कृति और अठेरा पर्यटन स्थल हमेशा सुहे सैलानिया खातर आकर्षण रो केंद्र बनया रहा है। इन कारण बड़ी तादाद में देसी परदेसी सैलानी अठे आवे है। बड़ी तादाद में सैलानी आज अल्बर्ट होल देखे और अठेरी जानकारी लीनी। देसरा न्यारा न्यारा शहरों से आया सैलानिया बतायो कि जयपुर रो खान पान वेशभूषा स्मारक सबरा आकर्षण रो केंद्र है। अल्बर्ट हॉल ये घूम रहे हैं और कल आमेर का किला और रात को चौकी धानी जाने का प्लान है। पर पिंक सिटी है तो मेनली वही जो यहाँ पे फेमस है, सारे किले देखने हैं, यहाँ का फेमस खाना खाना है, जो क्यूजीन इतनी फेमस इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, वो ऑथेंटिक क्या है, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो देखने के लिए और टेस्ट करने के लिए। ऑल द मॉन्यूमेंट्स हियर, सब अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स, पुराना हेरिटेज, पुराना कल्चर, इंडिया का कल्चर, यू नो, बहुत सुंदर दिखता है, चाहे सुबह हो या शाम हो, वो सब देखने का। खाना, ऑथेंटिक फूड ट्राई करना है और मार्केट्स जाना है, यहाँ की लोकल मार्केट्स इंजॉय करना है। किसी से कि यहाँ पे बहुत पुरानी एक मम्मी है वो देखेंगे, और यहाँ पे जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है आमेर में, वो देखने का प्रोग्राम। और प्रदेश में ठंड और शीतलहर के कारण सवारे घना कोहरा के कारण वाहन चालका ने घनी परेशानी हो रही है। रेल्स और सड़क यातायात माथे भी कोहरा रो असर पड़ रो है। मौसम महकमा मुजब बीती रात सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू में दर्ज करो गयो। फतेहपुर में कमती तापमान 1.8 डिग्री रो। इनके अलावा अलवर में 2.8, सीकर और बीकानेर में 3.5 और राजधानी जयपुर में कमती तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती रे मौके दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक देश ने करो गयो समर्पित। राजनीतिक जगत री हस्ती दीनी श्रद्धांजलि। आखा प्रदेश में भाजपा मनारी है सुशासन दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में ब्रह्मपुत्र नदी माथे बनया रेल रा सबसे बड़ा रेल सड़क पुल रो कीनो उद्घाटन। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुल बनावारा काम ने दीनी ही मंजूरी। आखा प्रदेश में हरकनो उल्लासरे साथे मनाया जा रो है क्रिसमस रो पर्व। गिरजाघरा ने सजायो गयो रंग बिरंगी रोशनी सु। राज्यपाल और मुख्यमंत्री देनी प्रदेशवासियों ने बधाई। क्रिसमस और नुआ बरसरा स्वागत खातर प्रदेश में उमड़े सैलानी। पर्यटक स्थल माथे बड़ी सैलानिया री भीड़। और राज्य में शीतलहर रो दौर जारी। चूरू में दर्ज करो गयो सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान।